शैतान जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं मशल टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि चंद दिनों से इश्तहारात लग रहे हैं तहसील गवर्नमेंट डीए खान की तरफ से, तो उन्होंने ये वो किया कि ग्रांट मंजूर हुई है तहसील गवर्नमेंट को। चूँकि वो ग्रांट जो मंजूर हुई है वो तहसील गवर्नमेंट को डेवलपमेंट फंड के मद में ग्रांट मंजूर हुई है, लेकिन ये लोग इसमें मेला स्पान कराना चाहते हैं। और किसी एक्ट में, किसी रूल ऑफ बिजनेस में ये चीज़ नहीं है कि आप डेवलपमेंटल फंड इसमें इस्तेमाल करें। तो हमने एक डीए खान का शहरी होने की हैसियत से मैंने अदालत का रुख किया और मैंने इस पे जज साहब अदालत तीन के जो जज हैं हमारे, उनसे हमने दरख्वास्त किया मेरे एडवोकेट साहब ने कि ये जो काम हो रहा है ये इलीगल हो रहा है और ये डीए खान के अवाम के साथ ज्यादती है। टीएमए के हालात आपके सामने हैं, टीएमए कितनी क्राइसिस में है और तनख्वाहें नहीं मिल रही। आज सुबह भी मैं जब टीएमए तहसील कौंसिल गया था, क्योंकि मैं खुद एक तहसील मेंबर हूं, तो 10-12 बूढ़े मेरे पास आए, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यार हमारी तनख्वाहें नहीं है, पेंशन नहीं दे रहे, उनको रात दिन रात की रोटी उनको मैसर नहीं हो रही। तो इन हालात को देखते हुए मैंने कहा, एक तरफ एक गरीब गुरबा हैं डीए खान के अवाम जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, और दूसरी तरफ ये लोग मेला स्पान करा रहे हैं। तो ये इंतहाई ज्यादती थी, इसलिए मैंने फिर अदालतों का रुख किया, इंसाफ के लिए रुख किया कि इस पे हमने स्टे की कोशिश की कि स्टे, तो जज साहब ने हमें फ़िलहाल तो कल की पेशी दी है और तमाम जितने एफिलेटेड ऑफिसर्स थे, डिपार्टमेंट हैं तहसील के, टीएमओ हो गया और तहसील नाजिम हो गया और अकाउंटेंट, उनको कल बुलाया अदालत में इंशाल्लाह, और कल उम्मीद है कि हमें इंशाल्लाह इस पे स्टे भी मिल जाएगी। और ये एक नेक काम, मैं एज ए डीए खान के शहरी की हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि ये काम और किसी कोई तो नहीं कर सकता था, और तो मैंने चाहा कि यार ये अच्छा काम मैं ही करता चलूँ। और आप देख लें, इसी तरीके से बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं स्पोर्ट्स में, देख लें स्पोर्ट्स ऑफिसर हमारे जो हैं वो भी इस तरह की एक्टिविटियाँ कर रहे हैं जिससे आवाम को कोई ऐसी रिलीफ नहीं मिल रही, तनख्वाहें नहीं है उनके भी, स्पोर्ट्स ऑफिसर भी करप्शन में ऐसे मुलव्वस हैं और करप्शन कर रहे हैं वो भी। तो मैंने अंधिया कर लिया अपने आप से कि इंशाल्लाह इसके बाद जो भी कोई ऐसे गलत एक्टिविटी होगी उसके लिए हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पर हमें इंसाफ मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच जी। सर, मेलों का जो इकदाम है वो ठीक है, लेकिन जो फंड हमें मिल रहे हैं सर, हमने कानून के तहत चलना है इस मुल्क में, तो अगर किसी रूल ऑफ बिजनेस में या किसी भी एक्ट में ये चीज़ है कि आप डेवलपमेंटल फंड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये लोग अदालतों पर चले जाएं, जवाब दे दें उधर कि ये चीज़ लीगल कर रहे हैं, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है इस चीज़ पे, मेला स्पान है बिल्कुल कराएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन डेवलपमेंटल फंड, चूँकि आपको भी पता है, तमाम मीडिया बखूबी वाकिफ़ है कि टीएमए डीए खान बहुत सख्त क्राइसिस में है, तनख्वाहें नहीं मिल रही, बच्चे रो रहे हैं, उनके घर वाले रो रहे हैं, पिछले 3-4 महीने से बहुत बुरा हाल है हमारा, उसके बावजूद भी ये लोग इनकी कान में जब तक नहीं थूकती और ये लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑब्वियसली सर, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, ये 1.5 करोड़ रुपया इन्होंने मुख्तस किया हुआ है, और ये अगर ये लोग इस चीज़ पे मना नहीं होंगे तो मैं क्लियर एंड कट आपको कह रहा हूँ कि इसके बाद मैं अदालतों के बाद अगर इन्होंने फिर भी फंड इशू किया, जितने भी एफिलेटेड ऑफिसर्स हैं, तो मैं उसके बाद नैब के दरवाजे भी करकटाऊंगा, एंटी करप्शन, नैब, एहतसाब, तमाम के दरवाजे करकटाऊंगा। इंशाल्लाह इनको ये जो डीए खान का अवाम का पैसा है ये इनको अब खाने नहीं दूंगा।